इस तसना सातवा बाब जब खुदावन तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए तू जा रहा है पहुंचा दे और तेरे आगे से उन बहुत सी कौमों को यानी हेतियों और जर्जासियों और अमूरियों और केनानियों और फरेजियों और हवियों और यबोसियों को जो सातों कौमें तुझसे बड़ी और जोरावर हैं निकाल दे और जब खुदावन तेरा खुदा उनको तेरे आगे शिकस्त दिलाए और तू उनको मार ले तो तू उनको बिल्कुल नाबूद कर डालना तू उनसे कोई अहद ना बांधना और ना उन पर रहम करना तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे ताकि वो और मबूदों की इबादत करें यूं खुदावंत का गजब तुम पर भड़केगा और वो तुझको जल्द हला कर देगा बल्कि तुम उनसे ये सलूक करना कि उनके मजहबों को ढा देना उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर देना और उनकी यशरतों को काट डालना और उनकी तराशी हुई मूर्तें आग में जला देना क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा के लिए एक मुकदस कौम है खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको रुए जमीन की और सब कौमों में से चुन लिया है ताकि उसकी खास उम्मत ठहरे खुदावन ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया तो इसका सबब यह न था कि तुम शुमार में और कौमों से ज्यादा थे क्योंकि तुम सब कौमों से शुमार में कम थे बल्कि चूंकि खुदावन को तुमसे मोहब्बत है और वो उस कसम को जो उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई पूरा करना चाहता था इसलिए खुदावन तुमको अपने जोरावर हाथ से निकाल लाया और गुलामी के घर यानी मिस्र के बादशाह फेराउन के हाथ से तुमको मखलसी बख्शी सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वो ही खुदा है वो वफादार खुदा है और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ हजार पुष्प तक वो अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है और जो उससे अदावत रखते हैं उनको उनके देखते ही देखते बदला देकर हलाक कर डालता हला है वो उसके बारे में जो उससे अदावत रखते हैं देर ना करेगा बल्कि उसी के देखते देखते उसे बदला देगा इसलिए जो फरमान और आयन और एहकाम मैं आज के दिन तुमको बताता हूं तुम उनको मानना और उन पर अमल करना और तुम्हारे इन हुक्मों को सुनने और मानने और उन पर अमल करने के सबब से खुदावन तेरा खुदा भी तेरे साथ उस अहद और रहमत को कायम रखेगा जिनकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई और तुझसे मुहब्बत रखेगा और तुझको बरकत देगा और भड़ाएगा और उस मुल्क में जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई वो तेरी औलाद पर और तेरी जमीन की पैदावार यानी तेरे गल्ला और मैं और तेल पर और तेरे गाय बैल के और भेड़ बकरियों के बच्चों पर बरकत नाजल करेगा तुझको सब कौमों से ज्यादा बरकत दी जाएगी और तुम में या तुम्हारे चौपायों में ना तो कोई अकीम होगा ना बांझ और खुदावंद हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करेगा और मिस्र के उन बुरे रोगों को जिनसे तू वाकिफ है तुझको लगने ना देगा बल्कि उनको उन पर जो तुझसे अदावत रखते हैं नाजल करेगा और तू उन सब कौमों को जिनको खुदावन तेरा खुदा तेरे काबू में कर देगा नाबूद कर डालना तू उन पर तरस ना खाना और ना उनके देवताओं की इबादत करना वरना ये तेरे लिए एक जाल होगा और अगर तेरा दिल भी ये कहे कि ये कौमें तो मुझसे ज्यादा हैं मैं इनको क्यों कर निकालूं? तो भी तू उनसे ना डरना बल्कि जो कुछ खुदावन तेरे खुदा ने फिराउन और सारे मिस्र से किया उसे खूब याद रखना यानी उन बड़े बड़े तुजर्बों को जिनको तेरी आंखों ने देखा और उन निशानों और मोजों और जोरावर हाथ और बुलंद बाजू को जिनसे खुदावन तेरा खुदा तुझको निकाल लाया क्योंकि तेरा खुदा ऐसा ही उन सब कौमों से करेगा जिनसे तू डरता है बल्कि खुदावन तेरा खुदा उनमें जनबूरों को बेच देगा यहां तक कि जो उनमें से बाकी बचकर छुप जाएंगे वो भी तेरे आगे से हलाक हो जाएंगे सो तू उनसे दहशत ना खाना क्योंकि खुदावन तेरा खुदा तेरे बीच में है और वो खुदाए अजीम और मुहिब है और खुदावन तेरा खुदा उन कौमों को तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके दफा करेगा तू एक ही दम उनको हलाक ना करना ऐसा ना हो कि जंगली दरिंदे भड़कर तुझ पर हमला करने लगें, बल्कि खुदा तेरा खुदा उनको तेरे हवाला करेगा और उनको ऐसी शिकस्त फाश देगा कि वो नाबूद हो जाएंगे और वो उनके बादशाहों को तेरे काबू में कर देगा और तू उनका नाम सफाए रोजगार से मिटा डालेगा और कोई मर्द तेरा सामना ना कर सकेगा यहाँ तक कि तू उनको नाबूद कर देगा तुम उनके देवताओं की तराशी हुई मूर्तों को आग से जला देना और जो चांदी या सोना उन पर हो उसका तू लालच ना करना और ना उसे लेना ताना हो कि तू उसके फंदे में फंस जाए क्योंकि ऐसी बात खुदावन तेरे खुदा के आगे मकरू है तो तू ऐसी मकर चीज अपने घर में लाकर उसकी तरह नेस्त कर दिया जाने के लायक ना बन जाना बल्कि तू उससे अजहद घिन खाना और उससे बिल्कुल नफरत रखना क्योंकि वो मालूम चीज है